गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी विल डू सम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस विच वी कैन यूज इन स्कूल. तो आज हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो कि हम स्कूल में डेली यूज करते हैं. तो पहला है लंच टाइम. लंच टाइम में क्या करते हैं, कम ऑन एवरीबॉडी टू द रिफैक्ट्री, मतलब सब आ जाओ यहाँ पे, जिससे कि हम एक साथ बैठ के लंच करें. प्लीज़ पैक योर आइटम्स प्रॉपरली, अपने आइटम्स को मतलब अपनी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली पैक करो. हैव यू हैड गुड लेसन्स, क्या तुम्हारे पास अच्छे अच्छे लेसन्स हैं मतलब दूसरों को बताने के लिए. ये सब हम कहाँ यूज़ करते हैं, अपने स्कूल्स में. लेट द पार्टिसिपेंट्स स्टैंड आउट, के जो पार्टिसिपेंट्स हैं मतलब जो प्रतियोगिता होती है, कोई भी कंपटीशन होता है उसमें क्या कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि आने दो पार्टिसिपेंट्स को, तो क्या कह सकते हैं हम इंग्लिश में, लेट द पार्टिसिपेंट्स स्टैंड आउट. देखते हैं पार्टिसिपेंट्स को कि कौन कौन आता है. डॉट, वेयर द पीस ऑफ चॉक, क्या कहते हैं, वेयर इज द पीस ऑफ चॉक. जब टीचर्स पूछती हैं या फिर कोई मॉनिटर वगैरह पूछता है वेयर इज द पीस ऑफ चॉक, तो हम क्या बोलेंगे, चॉक के लिए, चॉक का पीस कहाँ है, वेयर इज द पीस ऑफ चॉक. प्लीज़ क्लीन द बोर्ड, जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से क्लीन बोर्ड की कह रहे हैं तो क्या कहेंगे, प्लीज़ क्लीन द बोर्ड. वॉट ईयर इज दिस पीरियड, ये कौन सा पीरियड है. डिड योर फ्रेंड कम टू स्कूल टुडे, क्या तुम्हारा दोस्त आज स्कूल आ रहा है. ये सब क्या है, स्कूल में कन्वर्सेशंस कम्युनिकेशंस जो कि हमें करनी चाहिए हमारी फ्रेंड्स के साथ, राइट. नाउ नेक्स्ट इज, डिड योर फ्रेंड कम टू स्कूल टुडे, क्या तुम्हारा फ्रेंड आज स्कूल आ रहा है. वॉट इज योर टीचर, हु इज योर टीचर, तुम्हारी टीचर कौन है. ये सब क्या है, वर्ड्स हैं. वॉट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, स्कूल की स्ट्रेंथ क्या है. स्ट्रेंथ मतलब स्कूल में कम से कम कितने बच्चे होंगे. इजंट योर फादर कमिंग टुडे, क्या तुम्हारे इजंट योर फ्रेंड कमिंग टुडे, क्या तुम्हारे फ्रेंड आ नहीं रहेगा स्कूल आज. आर द बुक्स पुट इन द बैग, जो सारी बुक्स हैं वो क्या तुमने बैग में रख ली हैं. तो ये क्या है, हमारे स्किल्स हैं कुछ. वॉट इज फॉर लंच टुडे, तुम आज लंच में क्या लाए हो, पूछ रहे हैं ना वो. ऐसे हम पूछ सकते हैं अपने फ्रेंड से, टीचर से. हम इंग्लिश लेसन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, जो इंग्लिश का लेसन होता है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है. द फ्लोर ऑफ द स्कूल इज वेरी क्लीन, जो स्कूल का फ्लोर है फर्स्ट सेकेंड जितने भी फ्लोर हैं स्कूल के वो सारे क्या हैं, बहुत साफ हैं. नाउ इंग्लिश लेसन इज नॉट डिफिकल्ट, डू एयर कंडीशनर्स वर्क, जो स्कूल में एसीज हैं वो काम करते हैं. सो इट इज, अगर करते हैं मतलब आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. द लास्ट ईयर ऑफ स्कूल वॉज वेरी बोरिंग, जो लास्ट ईयर था स्कूल का मतलब जब बच्चे लास्ट ईयर पढ़ते थे वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था. इज द लास्ट लेसन इंग्लिश, जो हमारा लास्ट लेसन है वो इंग्लिश का है मतलब लास्ट पीरियड. आर मैथ टीचर इज डूइंग अ वेरी डिफिकल्ट एग्ज़ाम, हमारे मैथ्स टीचर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट एग्ज़ाम दे रहे हैं हमें करने के लिए. वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो. ये हम पूछते ना फ्रेंड से कि तुम लेट क्यों हो, तो इससे अच्छा हम इंग्लिश में बोल दें वाई आर यू लेट टुडे. हाउ डिड यू कम टू स्कूल ऑन फुट, तुम पैरों से पैदल कैसे आते हो स्कूल तक, मतलब पूछ रहा है तुम्हें दर्द वगैरह नहीं होता, वो इस टाइप में क्वेश्चन पूछ रहा है. देयर इज अ ट्रैफिक, आई एम लेट फॉर स्कूल, ट्रैफिक था बीच में इसीलिए मैं स्कूल के लिए लेट हो गया. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंसेस हैं जो कि आपके स्कूल डेली यूज़ में इंग्लिश सेंटेंसेस हैं जो कि आपके यूज़ होते हैं. तो आप इनमें से कुछ देखिएगा पढ़िएगा, जिससे कि जब आपके स्कूल्स खुलें तो आपके अंदर कुछ नया स्पेशल आए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स आपके टीचर अमेज्ड रह जाएँ. ओके, सो आप इन्हें लर्न कीजिएगा. थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय.